Neeraj is the marketing head and one of the directors at Value Bound Interactive Solutions. Right at the outset, we get a sense of what is to follow. He says, "हमारे तीन offices हैं, नाम के लिए अलग-अलग हैं। अलग-अलग हैं। अच्छा, company मतलब तीन? आपको बता दिया डैन टर्सोन है। हमें तो अपने लोगों को तो समझाना ही पड़ेगा ना। अकेला मैं करूँगा, आप मैनेज करेंगे। आपका पूरा शुभ नाम क्या है? नीरज कुमार। नीरज बताया नहीं आपने, मेरा नाम राजीव शर्मा, हम मैं कहाँ दुबई बैठो। हमारे तीन ऑफिस हैं। अच्छा तीन ऑफिस हैं, नाम के लिए अलग अलग है। अच्छा कंपनी ने मतलब तीन अलग अलग रखी है, ऑफिस अलग अलग, तीन अलग अलग जगह पर तीन अलग अलग कंपनी बनाई हुई है। वैल्यू बॉन्ड के नाम से? एक वैल्यू बॉन्ड है, एक ड्रीम ऑर्बिट है और एक सनसॉफ्ट है। और इसमें बात है, अच्छा मैं मार्केटिंग, पूरा मार्केटिंग का। और डायरेक्टर कौन है आपके? मैं वन ऑफ द डायरेक्टर हूँ। अरे संचित जैन है और अभिषेक पवाल है, वो दोनों देहरादून के हैं, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। एक कॉलेज से रूटी से आईआईटी से आप लोग? हाँ। The implication of this will reveal itself in a bit, but for now, let's dwell a little longer on his company's profile and clients that range from politicians from India to the United States. जो politician हैं वो कौन-कौन हैं आपके पास clients जो हैं जिनके कर रहे हैं? अभी किसी का नहीं करना, ये हमारा काम खत्म करके हो गया, जैसे उनका हो गया ना। किनका है, किनका नाम बता दीजिए? सुरेश, दिनेश जो जीत चुके हैं अभी, MP जीता दिया उनको आपने? हमने तो जीता है, तो सिर्फ मीडियम होता है। तो माध्यम तो आप ही बनाएंगे ना, आप छवि हमारी, हमारी छवि ऐसी बना दीजिए जिससे हम जीत जाएं। बस बोला कि इस वीक में डिक्लेयर हो जाएगा, आप इसके लिए अभी से एक ऐसी टीम लाओ जो ऑलरेडी पहले इस काम को कर चुकी हो किसी के लिए, नए बंदे ना हो, ऐसे ना हो कि भाई वो पता चला कि हम पे रिसर्च कर दें कोई पैसा बिजनेस लेने के लिए। अच्छा, तो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हो और ऑलरेडी कर चुके हों पहले। अच्छा, यूएस में किया हुआ है वो जम के, मतलब किसी कैंडिडेट के लिए। अच्छा, यूएस में भी हुआ? हमारे करीब 15 लोग के आसपास यूएस में, लेकिन मेन काम यहीं से होता है, लेकिन फ्रंट एंड में कुछ टीम सपोर्ट होती है ना, उस टीम को भी अपने साथ जोड़ लेगा, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन वो काम यूएस के कैंडिडेट के लिए किया यहाँ के लिए किया? यूएस के कैंडिडेट। अच्छा अच्छा, अरे वेरी गुड। किसके लिए? किसके लिए कैंडिडेट? वो मैकेनिक का नाम अभी याद नहीं है, लेकिन यूएस की टीम में जीते हुए भी हारे दो लोगों के लिए किया था, एक जीते थे एक थोड़े से हारे थे। अब उनका बहुत ही, एक देखिए कि आप अगर पहले से हैं तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा ना। He explains his intense campaigning for a political candidate in the US, saying, "हमने तो US में भी किया हुआ है बहुत जम के, मतलब एक कैंडिडेट के लिए। Backed with experience, he makes a tall promise of generating a million likes on Facebook in the given time that he has. He also has a team of content writers that generate content to populate the online forum. किस तरह से लेना चाहते हैं? हमने तो करीब 1 मिलियन के आस, 10 लाख के आसपास हम कर सकते हैं इतने टाइम में। 10 लाख लाइक्स? हाँ, आ जाएंगे 100%। अरे सर क्यों नहीं होगा? तो उसका कितना खर्चा होगा? बहुत, देखिए जैसे होता क्या है कि आप बिल्कुल इधर से नहीं है तो स्टार्टिंग में थोड़ा हमें डमी करना होगा। जैसे मान लीजिए कि 10 लोग अगर बैठा दिए तो 10 लोगों को पहले अकाउंट क्रिएट करके, हमें 10 लाख अगर बनाने हैं तो 1.5-2 लाख हमें खुद से बनाने होंगे अपनी पहले स्टार्ट। हाँ, लोगों को थोड़ा सा, देखिए आप एक आदमी है तो उसको आप लाइक नहीं करवा पाइएगा ना, तो उनसे 10 लोगों को रख करके अकाउंट बना करके लाइक कराएंगे, अब 1 लाख बन करके हवा बनेगी, फिर उसके बाद 1-2 लाख तक पहुंचेंगे। लेकिन सिर्फ उसी से अगर होगा तो फिर आपका निगेटिव आ जाएगा, वो लोग तो देखते हैं ना, कह रहे इतने सारे साहब डमी आए हुए हैं, तो फिर क्या करते हैं उसके बाद भी हम पूरा एक कंटेंट जनरेट करने की टीम है जो कि सब तरह आर्टिकल्स लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ऑडियो के अगर क्लिपिंग्स है तो वो करके पूरी स्टोरी बनाते हैं। आपकी पॉलिटिकल करियर है उसमें आपकी थॉट्स प्रोसेस क्या है, अगर अभी सिटिंग एमपी है सिटिंग बता दूंगा। अच्छा, तो उसमें यहाँ से फर्स्ट टाइम बदला हुआ है? अच्छा, यहाँ से, लेकिन वहाँ तो है पहले से, तो उनके पहले से उनके पॉलिसी हैं राइट, उनके अपने थॉट्स हैं, उन थॉट प्रोसेस को अगर पहले हमने डिस्कस किया तो उसका क्या आउटकम हुआ, हर एक की स्टोरी बनाई जाएगी। देखिए स्टोरी पे रुक जाते हैं ना। नहीं तो जैसे मान लीजिए हम ये जो 1-1.5 लाख रुपए क्रिएट करेंगे अपने पास, इसमें समय कितना लग जाएगा बनाने में?
स्टार्ट करना, मान लीजिए एक तो कितने लोग उसमें एम्प्लॉय करते हैं लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है ना, वो कोई इशू नहीं है, फंड्स की कोई इशू नहीं है। आप हमें ये बताइए ये शॉर्ट पीरियड में कितने टाइम में हम ला सकते हैं इजीली, देखिए जिससे डमी भी ना लगे लोगों को, ये भी ना लगे कि भाई मैंने अपना आप ही दोनों एक साथ काम चलना होगा। देखिए 3-4 लाख आपको 3-4 महीने 4-5 महीने में आ जाएगा। तो यानी अगर हम अक्टूबर से करते हैं नवंबर दिसंबर, दिसंबर तक हमें रिजल्ट नजर आ जाएगा पक्का, और दिसंबर के बाद में आप हमारी हवा भी बनानी शुरू कर देंगे। So Neeraj announces his plan of action. He will set up a team to generate the first 1 or 2 lakh likes on Facebook. After that, he will get his content developers to generate content in the form of videos and text posts reflecting the policies of our Netaji. That would also mean inviting negative comments. And he has a plan to counter that as well. हमारे नेताजी के ऊपर कुछ एलिगेशन लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के, करप्शन के, तो उनको लिखा जाता है सबका, मतलब उसके बारे में लिखा जाएगा। नहीं उसको मतलब क्या किया, किया जाएगा ना, फिर उसके बारे में आप लिखेगा और जहाँ जहाँ लिखा होगा उस आप देखिएगा, जहाँ जितने भी ऑनलाइन मीडिया में वो सब हमें सर्च करके ढूंढना होगा, सबके एक ब्लॉग पर एम्प्लॉय करके लगाना होगा, वैसा इसमें रिप्लाई करो और इसको सही करो। टारगेट है कि 10 लाख लोग आए, ठीक है जी, ठीक है 10 लाख लोगों को हम टच करेंगे। इस तरह से अगर मानते हैं तो 10 लाख के लिए हम 1.5 से 2 लाख के आसपास मान के चले कि देखिए हमें ये एक मास हो जाता है, उसके बाद लोग नोटिस करना शुरू कर देते हैं, ये हम अपने क्रिएट करके बना लेंगे, उसके बाद फिर मास खोलेंगे तब शुरू हो गई। हाँ नहीं शुरू साथ में ही रहेगा, लेकिन शुरू करने के लिए जो आप जो चाहते हैं हवा बनाने के लिए, तो हवा भी तो बनानी है ना हमें, तो उसके लिए हमें टाइम लगेगा। तो भाई कंटेंट लिखना होगा आपके बारे में, सारे क्या कार्टून भी बनाएंगे आप उसमें हमारे या उनके कार्ड, सब चीज होगी, सब चीज होंगे, ठीक ऐसे एप्लीकेशन से हम डेली मॉनिटर करें कि भाई साहब कि इस नाम से कहीं भी कुछ लिखा जा रहा है क्या। हाँ वो सबसे इम्पोर्टेंट, वो डेली हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो टीम चाहिए हमें, वो इन्फॉर्मेशन मिलने जो ही अगर इन्फॉर्मेशन आ गई फिर उसके बाद हम उस पर एक एक करके काम करेंगे। Neeraj says regular monitoring of comments can enable filtering out negative content. Now it's time to malign the opponent's reputation. Can he help? No prizes for guessing that one. एक प्रोजेक्ट अलग बनाइएगा, इसमें जो उसके बारे में नेगेटिव हुआ उसको वो करना है हाईलाइट, मतलब दूसरे लोगों का जो नेगेटिव है। हाँ वो ये हमारे कनेक्शन से नहीं होना चाहिए, आप ही तो जैसे वही ना, जैसे हम स्टार्टिंग में जो 1-2 लाख बना रहे हैं, अगर हमारे जो 10-15 लोगों की जो टीम है उसके बदले हमें 5 लोगों की और टीम रखने की, जो काम होगा कि भाई साहब कि तुम ये करो 10 खाली, इनका इनसे कनेक्शन है, इनसे इनसे कनेक्शन, राइट समझ गए ना आप, तो ये क्या काम कर सकते हैं, ये भी वो इनका भी वही है कि देखिए पहले हमारे पास पॉइंट्स अवेलेबल है, आप बताइए कि इसको टारगेट करना है, मान लो सपोज करो कोई भी एक टारगेट है, मान लो उसे टारगेट करेंगे तो क्या क्या फॉर्मूले अपना सकते हैं, उसी तरह जिस तरह से हमें उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हमें पहले डेली चाहिए। हाँ। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप खुद निकालोगे ना, हम खुद निकालेंगे, आपकी टीम निकालेंगे, हमारी वही उसको वो फेसबुक पर हमारे पास आएगी। हाँ। फिर हम उसे देखिए पहले हमें पता चले भाई साहब ये यहाँ पे प्रॉब्लम है इसके साथ, ठीक है अब इसको हमें हाईलाइट करना है, उस न्यूज को जो है हमें एक एक जो बाकी कंटेंट की टीम है उससे हमें लिखवाना होगा कि भाई साहब इसके बारे में लिखो ये कि ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसमें भी कंटेंट राइटर रखने पड़ेंगे हमें। हाँ। इतने रिच करते हैं आज मोदी के साइट पे जाएगा ना तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, ऐसा कभी नहीं लगेगा कि साइट खत्म हो गई, आप दिन भर 2-3 दिन तक ब्राउज करते रह जाओगे, इतनी सारी चीजें सब क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक है। What would these companies do without their content writers? Well, apparently little. He says the idea is to create a site so rich with content that keeps eyeballs rolling. He says one should take lessons from Modi's site. They will also search for damaging content about the opponent from various sources and develop the material to publish online. And the payment for the exercise is to be made in cash, of course. जो और बीजेपी वाले वही मोड होता है सर, सिमकेश का नहीं, अगर दिखाएंगे तो और सीधा नजर आ जाएंगे, तो नहीं उनको जब आप पेमेंट लेते हैं उनसे तो वो पेमेंट आपके पास थर्ड पार्टी तो पहुंचाती होगी या खुद आते हैं पहुंचाने हैं, हम तो थर्ड पार्टी होती है, वो कहाँ से आने वाले हैं, और वही मोड होता है वैसा उनके जो जिनने हेल्प ली है वो आकर हेल्प करते हैं, जिस फिल्टर को हम बोले अलग अलग बात अलग, मतलब नए लोग आए हैं क्या कर सकते हैं।
The conversation gets animated, shuttling back and forth between publicity for the Netaji and maligning the opponent's reputation. Neeraj says that starting with the articles in a local daily and escalating the content online is the most effective manner of hyping up an issue. This is Neeraj's plan of action. Start a rumor in the newspaper and put it online. Now, fan it hard enough such that it permeates the entire server space so deep that it becomes public opinion. He says, "Uski baat ko hawa denge, wo public ko ye batati hai." He has already established a safe method where his tracks are covered. In his word, "Hamara US-based server hai, to direct us server pe kaam karte hain log. Done kiye, data khatam us laptop se." जो इसमें लैपटॉप होंगे वो नए इस्तेमाल करोगे पुराने इस्तेमाल करोगे आप? यहाँ के मत करना लैपटॉप इस्तेमाल। इससे क्या फर्क पड़ता है? लैपटॉप नया होगा तो पता नहीं चलेगा। हमारा कोई भी काम जो होता है ना लोकली जो मशीन भी है ना तो मशीन में कुछ भी नहीं होता है। ये हमारे मोबाइल हमारा यूएस बेस्ड सर्वर है तो डायरेक्ट उस सर्वर पे काम करते हैं लोग। डन किए डेटा खत्म हो उस लैपटॉप से। जो भी लिंक नहीं मिलेगा किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे मोबाइल का कनेक्शन होता है, मैंने इस नंबर से फोन करा आपको, लैपटॉप पे नहीं होगा पक्का। तो कैसे होगा फिर? बता रहे कि ये हमारा एक सेंट्रलाइज सर्वर है, ये हमारे अपने क्लाइंट के सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। हाँ बताइए बताइए इसके बारे में। जितने भी हमारे जैसे विंडोज मशीन है ना तो विंडोज जो है हमारे यूएस सर्वर पे इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे मल्टीपल लाइसेंस हमने लिए हुए हैं और यहाँ के मशीन जो है ये सिर्फ मशीन है एक फ्रंट एंड, इसको ओपन करता है, इसी पे काम करता है। सारी चीजें यही पे होती है, काम खत्म। Neeraj explains his method of subterfuge while dealing with sensitive issues such as negative campaigns during election time. The company has a centralized server in the US which has original Windows software. The company also purchases multiple licenses for the software which it then uses in its companies in India. Once a project is complete, all data is removed from the Indian computers to ensure the client's insulation from the company. In his words, "Hamara ek centralized server hai. Ye hamare apne client ki security ke liye kiya jata hai." He speaks with such confidence that one wonders if he has done any negative publicity in the past. He replies, "Negative to US mein kiya hua hai." To main done karke jaunga. Bahane wala nahi, negative kiska kiya main ye pooch raha hu. Negative to US mein kiya. US mein kiya. Yahan pe bhai se US se hi hota hai sara. Yahan pe karne se safe nahi hai. थर्ड बॉय रखना जो ऑलरेडी सेफ हो, जो ऑलरेडी किया होगा, ये सेफ्टी साथ रख। मतलब एक सिंपल सी बात है, कंपनी फ्लोट करेंगे, ऑफिस लेंगे पूरा सब वहीं पे रखेंगे और वो पूरा काम यूएस का कर रहा है और वो खत्म कर देंगे कंपनी लास्ट में। खत्म इलेक्शन के बाद खत्म पूरी टीम डिसॉल्व। ना वो जगह पे कंपनी मिलेगी ना कुछ मिलेगा, खत्म टीम डिसॉल्व। So just as value bound creates data and destroys it, it also forms companies and winds it up. In his words, simple si baat hai, company karenge, office lenge aur pura saal wahi pe rakhenge. Wo pura kaam US mein kar rahe hain, last mein khatam kar denge, team dissolve ho jayegi. This is a plan no one can beat, setting up companies and closing them down. Keep a centralized server in a different country and erase all data from the local computers. Reputations are built and characters are assassinated. ValueBound calls this phenomena social media networking. बहुत बढ़िया ऑफिस बना रखा है, बढ़िया है, लेकिन ये है कि वो नया बने।